सुनील मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जरूर चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पदाधिकारी की अध्यक्षता में सांसद ग्राम योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में सांसद ग्राम योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित रूनीसैदपुर प्रखंड के महिसार पंचायत में चल रही सरकार की सभी विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में शिक्षा, पानी व्यवस्था, बिजली, कृषि, इंटरनेट, पंचायत में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। महिसार पंचायत में फुल 7 वार्ड हैं, जिसमें कुल परिवार लगभग 2000 हैं। प्राथमिक सह मध्य विद्यालय, 3 मध्य सह उच्च विद्यालय, 1 आंगनवाड़ी केंद्र, 8 सामुदायिक सेवा केंद्र, 1 पुस्तकालय, 1 सामुदायिक शौचालय के साथ परिवार स्तर पर भी शौचालय उपलब्ध है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सरकार के अन्य योजनाओं को पंचायत में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। सभी वार्डों में सड़क का पक्कीकरण, नाला निर्माण, जल नल से वंचित वार्डों में जल नल योजना क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ सब सेंटर का निर्माण करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। वहीं मनरेगा के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी जमीनों पर वृक्षारोपण कार्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को दिया गया। बैंक एटीएम की व्यवस्था करने हेतु एलडीएम को निर्देश दिया गया। खेल मैदान, वंचित परिवारों का पेंशन लाभ, शेष वार्डों में बिजली आपूर्ति, वंचित गरीब परिवार को राशन कार्ड, उद्योग विस्तार हेतु लोन उपलब्ध कराना और अन्य मॉडल पंचायत हेतु सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता कृष्ण प्रसाद गुप्ता, उप विकास आयुक्त विनय कुमार, सिविल सर्जन डीआरडीए डायरेक्टर मुमुक्षु कुमार चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी अवधेश कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी महेश कुमार दास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के साथ संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। कानूनी संग न्यूज के लिए संवाददाता राजीव कुमार रंजन की रिपोर्ट।